हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खास अपडेट। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में हिंदी करंट अफेयर प्रश्न उत्तरी 4 जुलाई 2018 के विषय में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस अपडेट की। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर होगा ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध देश की मुद्रा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट पर लोगों के भारी विरोध के बाद लगाया है। अमेरिकी आयात प्रतिबंधों के दबाव में ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य डॉलर के मुताबिक न्यूनतम स्तर पर आ गया है। वही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में अनंत बरुआ को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अनंत बरुआ SEBI के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। SEBI जनादेश प्रतिभूतियों में निवेशक के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को नियंत्रण करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2018 ICC महिला विश्व कप 20 की मेजबाजी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका उत्तर होगा 2018 ICC महिला विश्व कप 20 की मेजबानी वेस्ट इंडीज को सौंपी गई है। महिला विश्व कप 20 में कुल 10 टीमें भाग लेगी। महिला विश्व कप 20 का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 नवंबर को खेला जाएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? तो बता दे इसका आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा NEET का भी आयोजन कराता है, जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। गाइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, UNRWA का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा UNRWA का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। ये एजेंसी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहीद खाकन अब्बासी कौन है? तो बता दे आपको इसका आंसर, शहीद खाकन अब्बासी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में पाकिस्तान की चुनाव अपील संबंधित न्यायाधिकरण ने शहीद खाकन अब्बासी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। मसूद अहमद अब्बासी ने याचिका दायर कर उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि अब्बासी ने वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने अपने घर की कीमत की भी गलत जानकारी दी है। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ट्राइबल क्वीन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ट्राइबल क्वीन पुरस्कार से पल्लवी दरुआ को सम्मानित किया गया है। पल्लवी ट्राइबल क्वीन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सिंधु दर्शन महोत्सव जम्मू कश्मीर के लद्दाख में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव सिंध नदी में पवित्र डुबकी देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय ध्वज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी के द्वारा चिन्हित किया गया है। सिंधु दर्शन महोत्सव 1997 में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। गैस, जैसा कि 9 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय कुटीर लघु और मध्यम आकार उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्रीय कुटीर लघु और मध्यम आकार उद्योग दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। ये दिवस सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार रचनात्मक और सभी के टिकाऊ कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का पहला ATM कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका जवाब होगा विश्व का पहला ATM लंदन के एनफील्ड में स्थापित किया गया था। इसे 27 जून 1967 में स्थापित किया गया था। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी करंट अफेयर्स की अपडेट्स से वाकिफ रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।